देख रहे हैं आप कैसा व्यू है, बादल और हल्की हल्की सी जो बूंदाबांदी है, बारिश शुरू हो गई है। इस साइड पे सन है, उस साइड पे बादल हैं काले, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और साथ में हम जो गार्डनिंग है वो भी कर रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं हमारे। तो ये यूफोरबिया के कुछ प्लांट्स हैं, ये इधर लगेंगे, अभी बीच में कुछ हम आगे के लिए रखेंगे। इसी तरह गुलाब, एक दो गुलाब इस साइड पे लगाने हमने, ये देखें इस साइड पे गुलाब आज डेरे के लिए फ्रूट्स के जो से पौधे हैं वो ले रहे हैं। तो ये गाची वगैरह लगा रहे हैं, ये अपना सागवान पे सागवान। कुछ कुछ पौधे निकलवा लिए और कुछ फ्रूट के पौधे निकल रहे हैं। फटे दे रख के लाया, उसे रख देने बेच डेरे के लिए पसंद कर ली, निकाल के रख दिए। इंशाल्लाह रक्षे में डाल के मैं भी जाके की पढ़नी है। इसमें आड़ू के पौधे हैं, दोबारा फ्रूटर माल्टा है, की करौंडा, अंजीर, जामुन, तकरीबन जितने फ्रूट्स यहाँ पे लगते हैं ना इस मौसम में इस एरिया में, वो हमने ले लिए। तो इंशाल्लाह जब वहाँ पे जाके लगाएंगे हम। ओयो मीठे दे पौधे जना बेलिया, कुछ प्लांट यहाँ पे लाके रखे हुए हैं। चिट्टा मेरे उधर ना लगा के भेजनी है इसमें, इनको लोड करवा रहे हैं गाड़ी पर और फिर चलते हैं डेरे पर, वहां लगाएंगे इनको। जिसमें गुलाब है, आड़ू है, बादाम है, जापानी फल है और डिफरेंट वैरायटीज हैं। अभी ये सारे गाड़ी में लोड हो जाएंगे। ये मैंगो है हमारे, दो वैरायटियां, बोर तो लगा गया ना, अगले साल ही लगेगा, और तो नहीं डाउन होंगे। असल में गाची निकलवाने के बाद गाइस ये थोड़े से पौधे जो हैं वो डाउन होते हैं, तो अभी हम इनको जाके लगा देंगे। ये मुझे बता दें ये बेरी कौन सी है, ये बोला है एक भरी केटर है यार, ये उस तरह कुछ मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये ऐसे होके फिर चलती है, ठीक है। तो इसके ऊपर चिट लगा दें जो वैरायटी है ना, अभी लगा दें चार ही, दो इधर दो वैरायटियां, चार है नहीं वैरायटियां चार, हम ये नहीं पता ना सीडलेस कौन सी है। एक तो वैरिकेटेड तो पता लग जाएगा, वैरिकेटेड तो वही है ना, सीडलेस जो है वो बता दे, वही वैरिकेटेड। हां जो सीडलेस है वो इधर साइड पे रख देना, सीडलेस वही है, है? वो वाली है, उसको साइड पे रख दे, फिर इधर निशानी रह जाएगी सीडलेस के लिए। हां ये दो लैदा हो जाएंगी ना, वैरिकेटेड लैदा हो जाएगी ये, हां ये सीडलेस हो गई, इसको उधर रख दे। हां वैरिकेटेड का आपको पता लग जाएगा, हां जी वैरिकेटेड का पता लग जाएगा, ठीक हो गया। ये है वैरिकेटेड, ठीक हो गया, बस इसमें सीडलेस से लगा रखेंगे ना इसे, या वैरिकेटेड और सीडलेस इकट्ठी लगा दें, ठीक हो गया। ये बादाम, ये बादाम, ओके। वो आड़ू हो गया और ये जापानी फल हो गया, ये कौन सा है, ये आलूची, ठीक हो गया। जी ये गुलाब आना शुरू हो गया, माशाल्लाह गुलाब भी ठीक पोजीशन पता है जी। फ्रेंड्स गाड़ी में हमारे पौधे आ गए हैं, अब हम चलते हैं डेरे पे। ले जी वो सामने अपना डेरा है, डेरे हम पहुंचने लगे, फिर जाके अनलोडिंग करेंगे पौधों की और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के हुक्म से लगाएंगे, ठीक है। ले ये आ गया अपना डेरा,
पौधे भी अनलोड हो रहे हैं, असगर भाई ने क्यारियाँ भी बना दी हैं। तो ये आपने देखा था जो सेंटर में वहाँ पड़ा होता था, अब ये यहाँ पे लगा दिया ज़मीन में हमने। गुलचीन ग्राफ्टेड है, इस पे दो कलर हैं, रेड और वाइट, दो कलर लगते हैं। एक वाइट वो लगा हुआ है, उसको भी हम रेड ग्राफ्ट करेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा। तो ये बिस्मार्किया भी लग गया है ज़मीन में। और असगर भाई इनके पानी का साफ रख लेना, ये मेरा बादाम है, ये बादाम का पौधा है। लगेगा ऐ जापानी फल, वो टमाटर सारा नहीं होता वो है। हाँ गुलाब बड़े वीआईपी कलर लेंदे हैं इसकी। ऐ बेरी है, ठीक है ना, वैरीकेटेड होएगी इसका पत्ता ना। हाँ ये वैरीकेटेड है। ऐ उधर स्वाद वाला कोयट वाली साइड ना आड़ू है कलमी। चलो पहले रखे हो, मिक्स ना करनी, मिक्स नहीं करनी, ये उतो चक्की है ना, इनू लैदा रखो, ये नहीं सुखी ए, नहीं लैदा रखेंगे पर ये सीडलेस है ना, मिक्स ना हो जाए तो कर देंगे ना यार। हाँ इन्हें इतने रखो, याद रखना कि सीडलेस है। गर्मी बड़ी हो गई थे, गर्मी पे आए बैठा नहीं जाता बगैर पखे तो, या वैसे हवा क्यों चलन खजिया निकले। हाँ तो हमेशा खजी तो हमेशा होंगी है, खजी जड़ चू निकलती, मुड होंगे है यही। मैं यार मैं देखे है उत्थे डरके वाली साइड से खजिया के बाग चो कट के देंगे ना माल, ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਉਤਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ ਜੜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬੋਰੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੜ ਪੈਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਆ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਦੇਖਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦਬ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਏ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਚ ਬਾਗ ਖਜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਲਾ ਜਾਾਂਗੇ ਲਾਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਢਦਾ ਰਾਂਗਾ ਡਿੱਗੀ ਗਣਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆਮ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਲਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸਕੋ ਲਾਲ ਪਰੀ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਗੋ ਪੇ ਰੈਡ ਕਲਰ ਕੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕਾ ਕਲਰ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਪੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ खाने में भी अच्छा है पर इसको कच्चा खाया जाए तो बहुत टेस्टी है। एज ए गिरी जैसे हम नारियल को खाते हैं वैसे ही सेम लाइक ये कच्ची गिरी, ना गला ख़राब करती ना कुछ, तो बहुत इंजॉय वाला फ्रूट है। पहले ये हमारे घर में होता था। लें जी ये हमने लगा दिया इसमें तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, बस ये इसको ऐसे लगा दो। हाँ चलो जी डाले मिट्टी ताना सीधा करके कर दो, बाकी बन के सीधा लेके जावांगे ना। ये तुर पे ना जो नवी शाखा कट गए तो पत्ते भरो के ना इन टाणियों सीधा लेके जाना उत्ते, आपां कम अज़ कम कंध जिन्नी उच्ची लेके जानी थलों खाली होगा तो ले जी। माशाल्लाह पहला प्लांट लग गया मैंगो का, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे इसकी लंबी करे और ये हमें फल दे और अपनी ज़िंदगी में इसका फल खाएं। वैसे तो मिसाल बनी हुई है कि आम जो है वो दादा लगाए और पोता खाए, अब देखते हैं कि ये हम खाते हैं कि ये हमारे आगे नस्ल खाती है इसको। चीड़ का दरख्त थी ये जी असगर भाई खुरपे की मदद से निशानदाही कर रहे हैं कितने हैं, उस हिसाब से उसको पार्टीशन करेंगे
क्योंकि ये दो और लगने हैं अभी। जी यहाँ पे लगेगा, दोनों को स्पेस मिल जाएगी। नहीं वजन तो बाद, ये जी हम बहुत प्यारा सा लॉन बनाएंगे अपना। अभी तो फिलहाल इसमें चारा लगाया हुआ है, तो कुछ फैंसी प्लांट भी लगाए हैं हमने, जैसे कि अगेव है, पाम है, फैक्स है, पोनीटेल है, तो इसी तरह हम बाकी भी लगाएंगे। इसको अभी फिलहाल तो हम चारे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद इसमें प्लांटेशन करेंगे हम। और इन प्लांट्स के पीछे जो मैंगो वाली सारी है, यहाँ पे क्यारी सी बनेगी, यहाँ पे कलमे और जो हमारी पनीरियाँ तैयार होंगी उनके लिए जगह रखेंगे पीछे, क्योंकि अभी ये पिलर भी यहाँ से निकल लेंगे बाहर तो ये स्पेस भी खुल जाएगी। उस जगह पे पिलर जहाँ पे, वहाँ पे अंजीर आएगी हमारी, एक तो वो हमें फल देगी, दूसरा हमारे वो वहाँ पे पानी का जो सिस्टम रखा हुआ है उस पर सहाय रहेगा। भाई जी इट्टों को बंदोबस्त करके टैंकी के नाल गारे की चुनाई कर दी, मेरे ख्याल से पानी ठंडा रहेगा वरना तो बात है ज़रा लेट खाने की। और ये मेरा फेवरेट जो है और बच्चों का भी, ये वाला चौंसा है जी, क्योंकि एक तो इसको गुद्दे से भरा होता है, दूसरा इसमें रस बहुत होता है, तीसरा ये है कि इसमें इसके जो बाल होते हैं ना वो नहीं होते, जो दांतों में फंसने का होता है। असगर भाई इसको इस तरह रखें, बल्कि तीन शाखें सीधी बांध ही देनी, जिधर मर्जी रख लें, जैसे मर्जी सीधा कर लें बस आप इसका। इसकी शाखें वैसे भी हमने बांध के ऊपर लेके जानी है, अब जैसे मर्जी रखें से। लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा ये जो है दूसरा प्लांट भी लग गया मैंगो, अब तीसरा भी लगा देंगे। इस तरह करते करते हम इसको क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह, प्लांट काफ़ी हैं तो जल्द से जल्द कोशिश है कि इसको लगा दें हम, ताकि आगे मौसम बारिशें और ये चीज़ें होंगी तो ये जल्दी जान पकड़ेंगे पौधे। हाँ ये थले बत्तर काफ़ी है ना, बचाओ बचाओ शाख, पानी की जरूरत भी नहीं आ गई। लें जी ये सिंदड़ी की वैरायटी है जी, ये सिंदड़ी जो है ये भी जूस के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्रूट है मैंगो का, ये नई वैरायटी है। इसमें जो है ना वो बाल नहीं होते ना, जो रेशा जो होता है मैंगो के अंदर वो नहीं होता, ये भी चौंसे की तरह ही वैरायटी है, पर ये है सिंदड़ी। तो माशाल्लाह देखें कितना अच्छा जान में पौधा है, ग्राफ्ट कितना अच्छा हुआ हुआ है, दो शाखें इसकी बेहतरीन ज़बरदस्त। तो अभी तीसरी शाख भी निकल रही है, इसको हम ऐसे ही ट्रेन करेंगे, इसकी ट्रिम करेंगे, इसको ऐसे ही दो शाखों को ऊपर तक लेके जाएंगे इस दीवार तक 5 फुट की हाइट तक, उससे आगे जाके ये जो अम्ब्रेला बनाए, जो छतरी बनाए, नीचे नीचे हम जगह खाली रखेंगे इसकी, ताकि नीचे साया और नीचे और प्रोग्राम कर सकें, कुछ ना कुछ एडिशन कर सकें। असगर भाई इसको देखें सीधा ये दीवार की तरफ गिरा हुआ है, हाँ जी अब ठीक है। ये देखें ये टेक्निक होती है जी, खुरपे की बैक साइड से जो इसका दस्ता है ना, जो इसका हैंडल है, उसके साथ मट्टी प्रेस करते हैं। ले जी फ्रेंड, फिर डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम ना गोल्डन फैक्स लगा दें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गोल्डन फैक्स लगा रहे हैं, इसको आने वाले वक्त के हिसाब से देखें कि हमें छांव चाहिए कि इसकी कोई बोनसाई या अम्ब्रेला बनाना है, तो उस हिसाब से हमने लगा दिया फ़िलहाल यहाँ पर। तो वक्त के हिसाब से इसको देखेंगे कैसे कटिंग करनी है जी। ये अब हम U4B लगा रहे हैं, ये गमले से निकाल के इस तरीके से हिट करके निकालना पड़ता है। तो माशाल्लाह गाची देख रहे हैं बिल्कुल, यस गाची निकली इसकी, देखें जी फ्लावर से भरा हुआ कितना खूबसूरत, अल्लाह की कुदरत देखें जी। ये भी कटिंग से ग्रो होता है, तो इसको जैसे मौसम आएगा इसकी कटिंग करके एज इट इज़ लगा दें आप,
तो रूट स्टार्ट कर देता ही है मार्च में ना, मार्च में इसकी कटिंग लगा दें आप तो अगस्त में भी इसकी कटिंग लग जाएगी। से खजूरें लगाने लगे हैं और माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, वेदर आप देख रहे हैं, हवा बहुत तेज़ है। तो सुबह का टाइम है, हमने कहा आज ठंडे ठंडे काम कर लें थोड़े से, क्योंकि रोज़ा होता है ना, रोज़े में फिर काम नहीं होता। अभी एक बंदा हमारा गया हुआ है असगर भाई, आज हम दूसरे भाई को लेके आए हैं, तो खड्डे वगैरह निकाल ली हैं और इनको रख रहे हैं हम रेडी में, रख के वहाँ लेके जाएंगे, फिर जो सूटेबल होगी वहाँ लगा देंगे हम। वो भी चल है, हाँ ये रखे हो ना, ये ला के आ जाओ ना, फिर वो एक दफ़ा मोटो से खिलर जाएंगे ना, फिर देख लेंगे जो जो मोट लगाना है। ये वो उधर लगाएंगे हम गेट की लाइन में, इस तरह इंट्रेस बन जाएगी हमारी, दोनों तरफ लगाएंगे इस तरह ना, चार खजूरें वहाँ लगाएंगे, तो बाकी देखेंगे इस साइड पे। फिलहाल छः खजूरों का प्लान है, अभी और भी फ्रूटिंग वाले प्लांट्स पड़े हुए हैं, गुलाब पड़े हुए हैं, वो लगाने आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट करेंगे। मौसम अच्छा है अभी, क्योंकि इस मौसम में जो है ना प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। और खजूरें चली गई हैं, दो खजूरें ये हमने लोड कर दी हैं रेडी पे, अभी हम ये पाम जो है ना वो पाम लगाएंगे। ओ ओ ओ वो बड़े पत्ते वाले, इन्हें रख दो, इन्हें रख दो, इतने रख दो साइड पे, वो करने दोनों, हाँ वो चाने बड़े पत्ते वाले। मैंने कहना रे पानी दिता, कहना हाँ दिता है, दूसरा भी चख लो। नहीं नहीं वो पिछले बूटे सूखे पे ना, मुरझाए पे। अभी यहाँ पे देखेंगे कौन सा प्लांट लगाना है, कौन सी खजूर सही लगेगी, तो वो लगाते हैं। इसमें से बड़े बड़े जो तने वाली होगी ना वो लगाएंगे हम। इसी तरह भी आगे भी लगेंगी और दूसरी साइड पे, इस साइड पे भी लगेंगे, इसकी सीध में बिल्कुल एक इधर लगेगी, तो एक वो उधर लगेगी और एक उधर लगेगी, चार खजूरें इधर आएंगी। ये बीच में से क्यारी, जब चारा ख़त्म हो जाएगा तो इसको ख़त्म कर देंगे और ये क्लीन हो जाएगी, गाड़ी खड़ी करने की ये जगह बनेगी। जो ये साइड है इसको क्लोज करेंगे, ये इधर चारा वगैरह लगा देंगे, एक साइड रखेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मिट्टी निकालने में, फिर इसके नीचे रेत डालेंगे, रेत डाल के खजूर लगाएंगे। अभी हमारे अकबर भाई साहब लगे पड़े हैं जोर आजमाई पे, इन्हों कंध वाले पासे रखें पीछे, हाँ पीछे, हाँ कंध वाले पासे रहे ना, हाँ अग्गी दी ज़्यादा ना आवे, हाँ हूँ सीधा करे को। लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह के शुक्र से फजलो करम से दूसरी भी खजूर लगा दी हमने, तो इसको मिट्टी लगा रहे हैं और अच्छे से प्रेस कर रहे हैं ताकि नीचे पानी ना जाए ना, क्योंकि खजूर के जब तने में नीचे पानी जाता है, जहाँ इसके जहाँ पत्ते ताज़े लीफ निकलते हैं इसे गो कहते हैं, सेंटर में पानी लग जाए तो वहाँ से गलना शुरू हो जाती है। ये इसके ऊपर हम जो है वो धागों वाला जो बोरा होता है जिसे सेबे वाला बोरा कहते हैं, वो लपेटेंगे और नीचे इसकी मिट्टी को अच्छा से ठोक के लकड़ी की मदद से, तो खजूरें तो। और इधर हमारे भाई लोग जो हैं वो लगा रहे हैं प्लांटेशन, गुलाब है, यूफोर्बिया है, तो डिफरेंट कलर्स लगा रहे हैं ये सारी पट्टी वहाँ तक, और उधर से फिर इस साइड पे भी इसी तरह गुलाब बीच में आएंगे, ये इंटरेस्ट ज़रा अच्छी बन जाएगी।
असगर भाई पीला गुलाब ये अब येलो रोज लगाने लगे हैं हमारी ये लग गई हैं एक इधर है एक वो आगे लग गई है एक वो उधर लगी है और ये चार ये दरमियान में हमारी जो रैंप बनेगा गाड़ी के लिए गैराज जिसे कहते हैं ये गाड़ी खड़ी करनी है और यहाँ पे जो अकबर भाई खड़ा लगा रहे हैं यहाँ पे लगाएंगे हम ये पाम जिसे कहते हैं वाल पाम बड़ा खूबसूरत बनता है ये भी हमने दो प्लांट लिए हैं ये आमने सामने लगेंगे एक इधर और एक उधर तो ये एक इंटरेस्ट जो है ना बड़ी खूबसूरत सी बन जाएगी अभी इसके बीच में जो है ये यू फोर बिया हो गया गुलाब हो गया इंग्लिश और फैक्स वगैरह वो भी लगाएंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे ना जी इसका भाई दुबारा बस बस सेंटर में हो खड़े गए ये जो तने हैं ये एक लाइन में हो बस ये फर्क बस ठीक है ओके पीछे हमने जामन लगा दी है तो अभी ये शहतूत ब्लैक और वाइट शहतूत जो है ना इसको हम लगाने लगे हैं एक ही जगह पे ताकि ये एक ही तना बने इसका ऊपर जाके दो किस्म का फल लगे तो ये हमारा जरा एक आइडिया है कम जगह पे ज़्यादा प्लांट का क्योंकि शहतूत हैं दोनों सेम वैरायटी हैं तो हमने कहा इकट्ठे ही लगा दें असगर भाई बहुत है ज़्यादा ना निकालने कटा ये ले जी माशाल्लाह लग गए हैं दोनों शहतूत इनको पानी भी देंगे अब गर्मी काफ़ी यहाँ पे कुछ सिट्रस की वैरायटी लगा रहे थे तो मैंने कहा आपसे शेयर करें ये किन्नू का ये रेड ब्लड की वैरायटी लगा रहे हैं ये दो प्लांट हमने इकट्ठे लगा दिए हैं इसलिए लगाए कि बस सम टाइम एक चलता है एक नहीं चलता तो दो लगा दिए ताकि एक तो कामयाब होगा ना लख हुक्म से अगर ज़िंदगी रही तो इसी तरह किन्नू की भी दो वैरायटियां हम इकट्ठी लगा रहे हैं मिक्सअप चाचा ठीक है बस ठीक है आ जाओ ये हूँ पता क्या मिलाने अगले बूटे इन्हें तो मुठ हिदन रखने हाँ ठीक है कैसा व्यू है बादल और हल्की हल्की सी जो बूंदाबांदी है बारिश शुरू हो गई है इस साइड पे सन है उस साइड पे बादल हैं काले और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और साथ में हम जो गार्डनिंग है वो भी कर रहे हैं प्लांट्स लग रहे हैं हमारे तो ये यूफोरबिया के कुछ प्लांट्स हैं ये इधर लगेंगे अभी बीच में कुछ हम आगे के लिए रखेंगे इसी तरह गुलाब एक दो गुलाब इस साइड पर लगाने हमने ये देखें इस साइड पर गुलाब लगाने हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम लगा रहे हैं मौसम अच्छा हो रहा है जब तक बारिश तेज़ नहीं होती एक भाई हमारे जो हैं वो घास लेने जा रहे हैं बकरियों के लिए हमने कहा अब घास ले आएँ बारिश का कोई पता नहीं तो यहाँ पे असगर भाई लगे हुए हैं और बादल फुल गरज रहा है पर ये बारिश अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि ये बारिश ना हो क्योंकि ये बारिश हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह है आप देख सकते हैं कि बाहर फसलें हमारी रेडी खड़ी हैं जो अगले हमने 10-15 दिन तक काटनी है ये देख रहे हैं आप गिर चुकी है नीचे ना इस तरह तो इसका ये नुकसान होगा तो ताकि लोगों की जो रोज़गार है गंदम पे दारोमदार है और दुआ करें सब कि बारिश ना हो सिर्फ वेदर जो है वो ठंडा हो जाए मौसम ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो रोज़े चल रहे हैं आज भी मेरा रोज़ा है और मैं फार्म पे आया हूँ